हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। मेरा शुभ नाम शुभ है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ शुभ आर्ट, जिसे पहले हम चारकोल आर्ट के नाम से जाना करते थे। आज की इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ सम रियलिस्टिक पेंसिल स्केच, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट विद सम मास्किंग टेप अराउंड द बॉर्डर। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्केच एंड दैट इज द आउटलाइन। So my favorite part of creating an outline is grid method. So in a nutshell, the grid method involves drawing a grid over your reference photo and then drawing a grid of equal ratio on your work surface. In simple words, आपको square grids बनाने हैं अपने reference picture पे और अपने sketch पे, so that आप यहाँ से copy करके वहाँ पर exactly same draw कर सको। Here comes my reference picture. As you can see now, अब मैं हर स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सारे स्क्वायर मैंने अपने रेफरेंस पिक्चर के वो स्क्वायर को देख के एग्जैक्टली यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, सो दैट कहीं भी माइन्यूट सा डिफरेंसेस भी नहीं आए। आफ्टर डूइंग ऑल द बॉक्सेस एग्जैक्टली, दिस इज द एंड रिजल्ट। दिस इज माई न्यू एक्सपेरिमेंट ग्राफिक पाउडर बाई क्रेटा कलर। मैं इसे यूज करूँगा फॉर बैकग्राउंड। ऑल यू नीड इज अ ब्रश and a tissue paper, and you might need a cotton as well. Spread equally for an even look. Studler is my current favorite and Camlin has always been the evergreen in pencil. Initially जो हमने grid lines बनाई थी, अब time आ गया है कि हम उसको face area से rub करें। Make sure you don't rub the outlines. Personally जब भी मैं कोई portrait sketch करता हूँ तो मेरा primary पार्ट यही रहता है कि मैं फेस पे पहले वर्कआउट करूँ, बिकॉज आई बिलीव अगर फेस प्रॉपर बन जाए तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट हेयर, बिकॉज हेयर एंड क्लोथ कैन बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर रेफरेंस पिक्चर, बट फेस हैज़ टू बी एग्जैक्ट द सेम। एक माइन्यूट सा भी डिटेल में अगर चेंजेस आता है तो बहुत वियर्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। सो लेट्स गो। मैंने ऑलरेडी फोरहेड एंड नोज पे शेड दे दिया है। थोड़ा अभी और ग्रेविटी देने के लिए हमें और डीप करना होगा अपने शेड को। तो माय पर्सनल फेवरेट इज़ ब्लेंडिंग स्टम्प। तो बिफोर आई हैड दिस स्टम्प, मैं अपने फिंगर से स्प्रेड करता था इवेंचुअली, और कॉटन ले लेता था या फिर कॉटन बड से करता था, बट द रिज़ल्ट ऑफ दिस स्टम्प इज़ रियली ऑसम। अगर आप किसी भी आर्ट स्टोर पर जाते हो तो आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के ब्लेंडिंग स्टम्प मिल जाएंगे, एंड सिंस वी कैनॉट गो आउटसाइड राइट नाउ, तो आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये ब्लेंडिंग स्टम्प स्टेडलर के आते हैं और भी बहुत सारी कंपनी के हैं। वी एक्चुअली गेट डिफरेंट साइजेस ऑफ इट, तो उससे क्या है आप डिटेल में भी ब्लेंड कर पाते हो। एंड इफ़ यू सी क्लोजली, मैं एक इलेक्ट्रिक इरेजर भी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम डावेंट। इट इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज उसमें क्या है मोटर लगा है एंड बहुत क्लियरली we can rub the area which we exactly want. जब भी मैं draw करता हूँ I make sure जो area में shine है, जैसे कि reference picture में उनके lips में थोड़ा shine था, तो मैंने उस area में एकदम भी graphite नहीं लगाया है, ना कि pencil, ना कि blending stump, so that वो जो brightness जो चाहिए हमें result end में वो brightness रहे। I know हम brush से इसको मिटा भी सकते हैं, but still to get exact proper highlight, let's never color the area which are going to be white after the painting completes as well. So mustache is very important for male and beard also. मैंने मुस्टैच पे properly ध्यान दिया है। इनफैक्ट अगर आप क्लोजली देखो तो एक एक बारीकी के सारे हेयर विजिबल है इस स्केच में। आई बिलीव आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो मुझे एक एक डिटेल पे माइन्यूटली फोकस करना बहुत पसंद है। दिस इज़ क्वाइट क्रिटिकल। अगर आप टीथ ड्रॉ करते हो तो आप उसको ज़्यादा डार्क भी नहीं कर सकते हो, आप उसको पूरा वाइट भी नहीं छोड़ सकते हो। द मैजिक इज इन ब्लेंडिंग स्टम्प। सो हियर कम्स माय पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ एनी स्केच, विच इज़ द आईज। तो जब भी मैं आईज ड्रॉ करता हूँ तो मैं पूरा दिल जान लगा देता हूँ उसमें, बिकॉज आई फील किसी की भी आँख अगर बहुत सुंदर हो तो कोई भी उसको देखने से रेजिस्ट नहीं कर सकता है, एंड दे रियली अप्रिशिएट द आर्ट जो कि आईज में रिफ्लेक्ट होता है।
रेफरेंस पिक्चर में आईज इतनी क्लियर नहीं थी, इट इज़ माई ओन क्रिएशन, मैंने आईज़ पे स्टडी की है बहुत दिन, बहुत बहुत टाइम पर, तो आई नो आईज़ की डेप्थ कैसे होती है। टू ड्रॉ एनी पेयर ऑफ ग्लासेज इज़ क्वाइट ट्रिकी, आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, यू कैनॉट मूव योर पेंसिल इवन फॉर 1 mm, वो अगर हल्का से भी मूवमेंट होता है तो आपका स्पेक्टिकल्स का पूरा एंगल चेंज हो जाता है, उससे चेहरा का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब लगना होता है। तो वेन एवर यू ड्रॉ ग्लासेस मेक श्योर यू आर वेरी वेरी शार्प एट इट। सो फार सो गुड। भाई साहब हेयर ड्रॉ करने में जोर आता है मुझे बहुत। फीमेल हेयर होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज उनमें वेव होता है और कर्ली होता है, किसी के स्प्लिट होते हैं, एक प्रॉपर शाइन होता है। बट अगर मेल का हेयर ड्रॉ करना हो वो बहुत ट्रिकी है बिकॉज उनके हेयर स्टाइल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। एंड सबसे डिफिकल्ट पार्ट हेयर का ये होता है कि आपकी एक एक लाइन्स, एक एक स्ट्रोक मैटर करता है। तो मैं शुरू हमेशा अपना हेयर का काम शुरू करता हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। दिस इज जनरल 0.5 mm थिकनेस लेड, एंड इससे इसको यूज़ करने से मुझे पता चल जाता है कि कौन से पार्ट हेयर के किस एंगल में टर्न किए हुए हैं। एंड डेप्थ बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट टू यूज़ अनदर पेंसिल, जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी दूसरा पेंसिल स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज टेडलर, उससे डेप्थ आती है, डार्कनेस बढ़ता है पेंसिल। दिस इज़ माई जनरल एंड रेगुलर ड्राॅइंग स्पीड, आप देख सकते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ईजी नहीं है डेफिनेटली, बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ही चाहिए। मेरा पर्सनल एडवाइस है आप सभी को, आप जब भी स्केच बनाते हो सिर्फ फेस कंप्लीट करने के बाद पूरे पूरे पेंटिंग स्केच को कंप्लीट ना करो, ऑलवेज वर्क ऑन द बैकग्राउंड एंड क्लोथ्स जो वो पहनते हैं। अगर साड़ी है फीमेल का स्केच में तो साड़ी पे वर्कआउट करो, दिस गाइज वेयरिंग अ सूट सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सूट हिम अप, चेक्स था तो चेक्स पे वर्कआउट किया मैंने, इरेजर से मिटा के इसको रब करके चेक्स पे वर्कआउट किया। ऑलवेज लुक फॉर माइन्यूट डिटेल्स इन देयर पेंटिंग, अगर कोई क्लाइंट देखता है कि आपने बहुत माइन्यूट चीज पे भी वर्कआउट किया है, स्पेशली ऑन देयर मोल्स, ब्यूटी मोल्स, बर्थ मार्क, डिम्पल्स, दे रियली अप्रिशिएट इट। यू कैन इग्नोर इट ओनली वंस योर क्लाइंट सेज सो। ऑलवेज राइट योर इनिशियल्स इन योर पेंटिंग इन एनी कॉर्नर सो दैट इफ समबडी लाइक्स योर पेंटिंग सो मच दे कैन फाइंड अ वे टू गेट इन टच विद यू। आई लव टू राइट डेट ऑन माई वर्क बिकॉज future generation can actually estimate the age of these paintings. Now this is the most satisfying part of my artwork. People love to watch this. इसमें एक अलग satisfaction है, but जितना satisfaction इसमें दिखता है उतना ही risky भी है ये चीज़। My personal advice, whenever you do this, never rush. If you see, this might happen, oh shit. But don't worry, अगर ऐसा होता है तो complete all the other areas, बाकी जगह के peel out कर लो and come back to the same place जहाँ issue हुआ था एंड बहुत धीरे धीरे आराम से सॉफ्ट धीमे हाथों से उसको वापस पील आउट करो और जिस सेक्शन में इशू हुआ था वहाँ थोड़ा धीरे धीरे निकालो उसे। टू फिक्स दिस मिक्स सम फेविकॉल एंड वाटर एंड अप्लाई इट यूजिंग सम सॉफ्ट पेंट ब्रश एंड यस इट इज़ ऑल डन, हैव अ लुक। Yes, last but not the least, fixative, my personal recommendation, it gives extra life to your painting. All you have to do is make a gap of around 6 cm between your sketch and the spray and spray it all over your sketch. This spray creates a transparent layer on your painting. Ab smudges ki chinta bhul jao. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वेन ड्राइंग योर नेक्स्ट स्केच ट्राई यूजिंग दिस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बेटर रिजल्ट एंड येस इफ यू लाइक माई वर्क फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर माई वर्क ऑन योर स्टोरीज, मेरा हैंडल है शुभ ARTT, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कमेंट योर व्यूज, शेयर सम लव
एंड लाइक माई फेसबुक पेज। जल्दी मिलते हैं, मेरा शुभ नाम शुभ है, उम्मीद है आपका दिन भी शुभ हो।